बढ़ते आगे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद के जाने माने गर्ल्स कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद हुआ है। दरअसल सेंट फ्रांसिस गर्ल कॉलेज में छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। इसमें छात्राओं को घुटने से लंबी कुर्ती या सलवार कमीज में ही कॉलेज में एंट्री मिलने की बात कही जा रही है। यही नहीं, छात्राओं की कुर्ती की लंबाई नापने के लिए कॉलेज में बाकायदा एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को भी हायर किया गया है। वो छात्राओं के आईडी कार्ड की जाँच करती है और उनकी कुर्तियों की लंबाई भी चेक करती है। जो छात्राएं आदेश का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें क्लास में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। छात्राओं ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला सिक्योरिटी गार्ड छात्राओं की कुर्ती की लंबाई जांचती हुई साफ नजर आ रही है। तय नाप से छोटी कुर्ती पहनने वाली छात्राओं को क्लास में आने की परमिशन नहीं दी जा रही है। तो छोटी कुर्ती पहनी तो आपको कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल एक वीडियो जो कि लगातार वायरल हो रहा है, कुर्ती की लंबाई देखकर ही छात्राओं को एंट्री दी जा रही है कॉलेज में। हैदराबाद के सेंट फ्रांसिस गर्ल्स कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कपड़े नापने के लिए बाकायदा एक महिला गार्ड को तैनात किया गया है। वो महिला गार्ड उनकी कुर्तियों की लंबाई को जाँच रही है, चेक कर रही है और उसी के आधार पर इन छात्राओं को कॉलेज में एंट्री दी जा रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है।